Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, assalamu alaikum. आज की इस वीडियो में हम मैथ वाइज फाइव ठीक है क्लास फाइव यूनिट नंबर एट की एक्सरसाइज नंबर एट डिस्कस करेंगे. इसमें है आपके पास आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स एज सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री. आपने बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि गिवन पेयर्स जो हैं सप्लीमेंट्री हैं या कम्प्लीमेंट्री हैं. आपने क्या करना है, इनको करना होगा प्लस. अगर आपके पास प्लस करने से आंसर 90 डिग्री आता है तो कम्प्लीमेंट्री होंगे, और अगर आंसर 180 डिग्री आता है तो सप्लीमेंट्री होंगे. ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये क्या है हमारे पास 80 प्लस 10, 80 एंड 10 था. ठीक है, क्वेश्चन में तो 80 प्लस 10, ठीक है क्वेश्चन में यहाँ पे एंड था. 80 प्लस 10 करेंगे आप, आंसर आ गया 90 डिग्री. ठीक है, डिग्री भी आपने साथ लाजमी लगाना है. 90 डिग्री है, इट्स मीन ये क्या है आपके पास कम्प्लीमेंट्री. ठीक है, सेकंड है 134 एंड 46. तो आपने क्या करना है, 134 डिग्री प्लस 46 डिग्री करना है. ठीक है, तो आपका आंसर आएगा इसको ऐड करने से 180. आप ऐड करके देख सकते हैं, तो ये क्या आएगा आपके पास सप्लीमेंट्री. ठीक है, अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐड कर दिया. नेक्स्ट है 77 डिग्री एंड 103. तो आपने करना है इसको प्लस 77 डिग्री प्लस 103 डिग्री. तो इसे प्लस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 180. यहाँ से देख लें, 7 प्लस 3 10. ठीक है, 1 कैरी आ जाएगा, 7 प्लस 1 8 और 1 j, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री, और ये भी क्या होगा आपके पास सप्लीमेंट्री. नेक्स्ट है 1 प्लस 89 डिग्री. प्लस करें 81 प्लस 9 90 डिग्री. 90 डिग्री क्या होता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री. लास्ट है 45 डिग्री एंड 45. 45 प्लस 45 क्या होता है हमारे पास 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री है, इट्स मीन ये क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री. नेक्स्ट एक्सरसाइज 9, फाइंड सप्लीमेंट्स ऑफ दीज एंगल. एंगल गिवन है, ठीक है, ये देखें 123 डिग्री है. आपने सप्लीमेंट फाइंड करना है. अब देखिए, एक एंगल गिवन है इसमें, एक्सरसाइज 8 में आपके पास दो एंगल थे, सो आपने उसको ऐड किया था. अब सप्लीमेंट क्या होता है हमारे पास 180. ठीक है, ये या आपने याद रखना है, सप्लीमेंट होता है 180. अब आपने क्या करना है, जो गिवन है उसमें 180 में से उसको माइनस कर देना है. ठीक है, 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री. ठीक है, कैरी लेना पड़ेगा, ये बन जाएगा 10 10 3 माइनस करेंगे 7, यहाँ पे 7 7 2 माइनस करेंगे 5, 57 डिग्री. ठीक है, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा. फिर आपने यहाँ पे नेक्स्ट लिख देना है सप्लीमेंट ऑफ ऑफ 123 इज 57 डिग्री. नेक्स्ट है 56, तो आपने क्या करना है, 180 डिग्री में से 56 को माइनस कर देना है, कैरी लेना पड़ेगा. 10 में 6 माइनस करेंगे 4, यहाँ पे रह गया 7 7 में 2 माइनस करेंगे, सॉरी 5 माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा 24 डिग्री. अब आपने लिख देना है सप्लीमेंट ऑफ 56 डिग्री इज़ 24 डिग्री. ठीक है, इसके बाकी जो है 3 क्वेश्चन 78 डिग्री, 112 डिग्री एंड 3 डिग्री. इसी तरह से आपने कर लेने. आई होप के ये दोनों एक्सरसाइजेज आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी. फिर भी अगर बात कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.